हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निश्रेया इनजायका में। आज निश्रेया इनजायका में बन रहे हैं व्रत वाले पनीर टिक्का पकोड़े। नाम सुनकर के आप हैरान रह गए होंगे कि पनीर टिक्का वो भी व्रत में। जी हाँ, पनीर टिक्का वो भी व्रत में। तो चलिए मेरे साथ। इसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच हंकड़ यानी कि गाढ़ा दही। तो दही को जिसमें पनीर बनाते हैं उस कपड़े में डालें और जब पानी पूरा निकल जाएगा तो आपको मिलेगा गाढ़ा दही। तो बिल्कुल वही दही हम काम में ले रहे हैं। इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट डालें, 1 चम्मच सूखा पुदीना हाथ से क्रश करके डालें। फिर अच्छे से इसको विस्क से चला लें और स्मूथ कर लें। फिर इसमें डालेंगे पनीर के पीसेस। तो पनीर हम ले रहे हैं 150 ग्राम और पनीर की पतली पतली स्लाइसेस कट कर ली है। फिर हल्के हल्के हाथ से पनीर को इस मिक्स में कोट कर लें। पनीर को इस मिक्स में मैरिनेट करेंगे यानी कि पनीर को करीब 1 घंटे ऐसे ही रहने देंगे जिससे पनीर में थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा और वो फीके नहीं रहेंगे। फिर 1 घंटे बाद में एक बोल में 1/2 कप लेंगे समा के चावल का आटा। आप समा के चावलों को ग्राइंड करके भी आटा बना सकते हैं या फिर ये मार्केट में भी आटा मिलता है, वो भी काम में ले सकते हैं। और इस आटे में हम डालेंगे 1/4 कप सिंघाड़े का आटा, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक पिंच ऑफ यानी करीब 1/4 चम्मच और 1/2 चम्मच सूखा पुदीना डालेंगे। अब 1 चम्मच इसमें तिल डालें और थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई डालें। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर पानी डालते हुए बैटर तैयार करेंगे। बैटर ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी भी नहीं हो और बहुत थिक भी नहीं हो, यानी ऐसी कंसिस्टेंसी जिसमें पनीर के पीसेस को कोट किया जा सके। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, बहुत रनिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब एक एक पीस पनीर का डिप करेंगे और फिर फ्राई करने के लिए गर्म ऑयल में डालेंगे। तो धीरे से गर्म ऑयल में डालें, जितने पीसेस एक बार में आ जाएं उतने ही डालेंगे और पलटते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। जब ये गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे तो इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। तो लीजिए, व्रत के लिए पनीर टिक्का पकौड़े बनकर के तैयार है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।